हेलो दोस्तों और स्वागत है उसी का हमारे एक और नए वीडियो में। आशा करता हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप के अंदर किसी भी चैट को जो है यहाँ पर छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। तो गाइज ये आप कैसे कर सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि गाइज कोई भी अगर यहाँ पर आपका चैट है, अगर कोई भी चैट है, अगर आपका पर्सनल चैट है, तो आप इसको यहाँ पर जो है छुपा करके किस तरीके से रख सकते हो अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो गाइज इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको बताऊँगा और यही बताऊँगा कि किस तरीके से जो है आप इसको बिना विदाउट एनी ऐप गाइज बताऊँगा कि बिना किसी ऐप के जो आप इसको कर सकते हो। तो गाइस ये मैं बताऊं इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो गाइस किसी भी चैट को अगर आपका कोई पर्सनल चैट है और यहाँ पर आप जो इसको छुपाना चाहते हो अपने व्हाट्सएप के अंदर कि अगर कोई और वो चैट जो है आपका नहीं देख पाए, तो ये आप कैसे कर सकते हो। गाइस जिस भी चैट को आपको जो है छुपाना होगा उसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर लेना है। गाइस जैसे कि मुझे ये जो है चैट छुपाना है और मैंने जो है इसके ऊपर क्लिक कर लिया है। तो गाइज़ अब जो इसके बाद गाइज़ आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा वरना बात आपको समझ में नहीं आएगी। गाइज़ तो वीडियो को अब इसके आगे स्किप नहीं करना है। तो जिस भी चैट को आपको जो छुपाना होगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर गाइज़ आपको एक अर्चिव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको इस चैट को लेकर चले जाना है। अब गाइज़ जब इसके अंदर आप इस तरीके से लेकर चले जाओगे तो अब ये जो है अर्चिव चैट के अंदर चली जाएगी। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊँगा कि जाए गाइज़ आप इसको पूरी तरीके से गायब किस तरीके से कर सकते हो। गाइज़ इस तरीके से अर्चिव चैट के अंदर जाने के बाद चैट आपको जो है इसी अर्चिव चैट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको थ्री डॉट का ऑप्शन ऊपर सामने दिख रहा होगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। गाइज इस तरीके से क्लिक करने के बाद अर्चिव सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अर्चिव सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन जो है इस तरीके से खुला हुआ है इसको इस तरीके से बंद कर देना है। गाइज बंद करने के बाद आपको जो है इसको पीछे साइड में कुछ इस तरीके से आ जाना है। पीछे साइड में आ जाने के बाद गाइज आप देख सकते हो वो चैट हमारी जो है एकदम गायब हो चुकी है। अब गाइज उस चैट को पहले हमने अर्चिव चैट के अंदर है और अर्चिव चैट करने के बाद हमने अर्चिव चैट को जो है गायब कर दिया है। तो गाइस गायब करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां चला गया है और उसको आप किस तरीके से ढूंढ सकते हो। तो गाइस इसके लिए सबसे आपको क्या करना होगा, अपने चैट के जो है सबसे नीचे साइड में आ जाना है। जब चैट के गाइस आप चैट के सबसे नीचे साइड में आ जाओगे तो यहाँ पे अर्चिव का जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और इस तरीके से वो ऑप्शन जो वो चैट होगा वो आपके जो है चैट के सबसे नीचे चली जाएगी और इस तरीके से वो जो है रहेगी। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप कर सकते हो। तो आप अगर गाइस अगर मान लो आपको जो है इसको फिर से जो है पुराने जैसा करना होगा तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को खोल लेना है। ऑप्शन को खोलने के बाद आपको जो है ऊपर साइड में अर्चिव चैट दिखने लगेगी और उसके बाद गाइस इसको जो है आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में होगी। जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको देखने को गाइस मिलती रहे।